गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्यारे से रोज़मॉस। मेरे पास ये मल्टी कलर्स के हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पिंक, येलो, बेबी पिंक, वाइट और पिंक, ये डबल शेड में है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये आज मल्टी कलर्स में ब्लूम किए हैं और इनका सीज़न भी गर्मियों और लेट विंटर्स तक चलता है। पूरी समर्स ये फ्लावर्स देते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सीधे सिर्फ़ और सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, ये उतना ज़्यादा ब्लूम करेंगे। और आप जैसे कि देख ही रहे हैं ये, और फ्रेंड्स सभी जानते हैं इनके प्रोपोगेशन मेथड की। बस ये यहाँ से इनकी स्टैम को तोड़कर आप लगा दीजिए और एक दो दिन तक डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए उन स्टैम्स को, और फिर आप जब उनकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो आप उन्हें सन में रख सकते हैं। तो मेरा ये दिखाने का पर्पस यही था कि आज ढेर सारे ब्लूम के और मल्टी कलर्स के हैं, आप भी लेकर आइए। इनमें रेड कलर और होता है फ्रेंड्स, एक लाइट पिंक और होता है। एक्चुअली ये हाइब्रिड नहीं है, ये देसी वाला रोज़ मॉस है, और इसका जो लाइफ है वो हाइब्रिड से बहुत ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिड फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े से मतलब जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं और वो जल्दी ही स्पेंट हो जाते हैं। ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं, आप ये देखिए, और इन्जॉय करिए इनको। अपनी क्यारियों में जगह दीजिए, और ये काफ़ी ढेर सारे हो जाते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी। मैंने ये काफ़ी ढेर सारे अपने प्लांटर्स में लगाए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, बॉटल्स में भी लगाया हुआ है, और ये बाहर की तरफ भी काफ़ी सारे ब्लूम किए हैं। ये दिख नहीं रहे हैं यहाँ से, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखाई दें। तो इनकी जो मूव है फ्रेंड्स, फ्लावर्स की और लीव्स की, वो सन के तरफ रहती है, तो वो बाहर निकल गए हैं, उधर सनलाइट ज़्यादा रहती है। ये मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे। मुझे इसका ये वाला पिंक कलर बहुत ही पसंद है, और ये येलो के साथ जब भी ब्लूम होता है बहुत ही प्यारा लगता है। ये दोनों ही कलर, येलो और पिंक, और आप कहीं से भी ले आइए, अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड कहीं भी लग रहे हो, इनकी थोड़ी सी स्टेम तोड़कर आप ले आइए, पानी में डाल के रख दीजिए। एक दिन उनकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आप उनको प्लांट कर दीजिए। और बहुत ही इजी मेंटेन्ड हैं ये, इनको कोई आपको स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है। सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए और पानी भी बहुत कम देना है। ये सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हमें पानी ज़्यादा नहीं देना है इनको, और ऐसे ही बस ढेर सारी सनलाइट प्रोवाइड करनी है जिससे कि ये डेली डेली ब्लूम करें। होपफुली आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये प्यारे से रोज़ मॉस पसंद आए होंगे। इसी प्यारी सी वीडियो और फ्लावर्स के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगी, और आपको अगर ये वीडियो और फ्लावर्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। बाय।